सीरियल में आई कम इन मैडम में आज तो साजन की हो गई है चांदी। साजन को आज मिला है मौका संजना के साथ रोमांटिक डांस करने का। भी सोच रहे होंगे ना कि कहीं साजन हमेशा की तरह सपना तो नहीं देख रहे। साजन मेरे बकरे बन जाते हैं। सो ये चांस मार रहे थे, मैं डांस कर रही थी। तो आपको बता दे कि ऐसा नहीं है। साजन और संजना आखिर इतने करीब कैसे आ गए, यही सोच रहे होंगे ना। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं। वैसे किसी को जलाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो ये बात है। अच्छा तो साजन हमें ये बताइए कि आपने इस डांस सीक्वेंस को कितना एंजॉय किया। आई थिंक इट्स साजन का काम है नाचना वो, तो बस। और मेरा ही नचाना। वैसे भी कोरियोग्राफर, मतलब इसी मूवी का एक सॉन्ग वो वाला है ना, वो साथी है, वो मेरा बहुत फेवरेट है। और ये अच्छी कंपोजिशन थी, तो मेरे लिए नया सॉन्ग था, तो थोड़ा सा इतनी जल्दी क्विक करना होता है ना टीवी में। हाँ। तो वो उतना शार्प नहीं। वेल साजन, हम भी यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही इंजॉय करते रहें। और वही संजना ने भी हमें बताया कि उन्हें ये डांस सीक्वेंस कितना आया पसंद। मेरा बहुत फेवरेट था, तो मेरा ऐसा है ना कि जब गाना मेरा बड़ा फेवरेट होता है ना, तो मैं एकदम जी जान से फुल कोरियोग्राफी, फिर संदीप तू ये करना मैं ये करूंगी, ये सब मेरा बहुत होता है अगर गाना पसंदीदा हो तो। सो दिस वाज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आजा आजा गिव मी अ किस एंड ऑल, तो आई थिंक आई एंजॉयड, आई होप वी भी एंजॉयड। वेल संजना, हमने भी आपके डांस को काफी इंजॉय किया और हम चाहेंगे कि आपके फैंस को भी आपका डांस आए पसंद। जाते जाते संजना और साजन ने हमें बताया कि आगे आने वाले हैं काफी मस्ती भरे ट्विस्ट। अब पूरा होगा ही, अब ऐसा पार्टनर मिला है तो मकसद तो पूरा होना ही है, लेकिन हम क्यों करते हैं और आगे क्या होता है ये तो ऑब्वियसली हम नहीं बता सकते, तो हम नहीं बता पाए। Well, तो अब आगे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि सीरियल में आई कम इन मैडम में क्या होता है। और साजन और संजना, आप ऐसे ही मस्ती करते रहिए और करिए अपने फैंस को खूब एंटरटेन।